अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम में कपास के काश्तकार भाइयों को कपास की आइंदा फसल से तहफ़ के लिए हिकमत अमली से आगाह करेंगे। कपास के काश्तकार आइंदा की फसल को नुकसानदेह कीड़ों खसूसन गुलाबी सुंडे के हमले से बचाने के लिए अगर ज़रई माहिरीन की चंद सिफारिशात पर अमल करें तो उससे उनकी जो आइंदा की जो कपास की फसल है वो काफ़ी बेहतर होगी और उसके उस पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले तो कपास के काश्तकारों को चाहिए कि वो गुलाबी सुंडी से मुतासरा कपास को चुनाई के बाद दूसरी फसल से अलहदा रखें, वरना पिलाहट की वजह से कपास का मियार मुतासिर होगा। इसके अलावा कपास के काश्तकारों को चाहिए कि जो उनके खेतों में अनखिले टिंडे हैं उनको छड़ियों से फौरन अलहदा करके तलब कर दें। तकरीबन 80% तक गुलाबी सुंडी सर्दियों में अपना दौरान जिंदगी मुकम्मल करने के लिए सरमाई नीम कपास के अनखिले टिंडों में गुजारती है, इसलिए इन टिंडों की तलफी इंतहाई जरूरी है। कपास की आखिरी चुनाई के बाद मुतासरा टिंडों की तलफी के लिए खेत में भेड़ बकरियां चराएं और खेत में बाकी मुतासरा टिंडों पत्री वगैरह को इकट्ठा करके तलफ कर दिया जाए। कपास के काश्तकारों को चाहिए कि ईंधन के तौर पर जलाने के लिए रखी गई कपास की छड़ियां खेत से दूर अमूती हालत में रखें या जलाने के लिए घरों में ले जाएं। आखिरी चुनाई के बाद कपास की जो छड़ियां गए उनकी जल्द से जल्द तल्फी यकीनी बनाएं। कपास की छड़ियां काटने के बाद खेतों में हल चलाएं ताकि उनमें मौजूद गुलाबी सुंडी के जो प्यूपे गए और कपास की फसल को जो मुतासरा जो बाकियात है उसको तलफ कर दिया जाए। गुलाबी सुंडी की तल्फी के लिए जिनी फैक्ट्रियों में कपास के कचरा वगैरह को तलफ कर दें। अगर जरूरत पड़े तो स्टोर में रखे गए कपास के बनोले को गुलाबी सुंडी के लार्वे और प्योपे से महफूज रखने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 30 गोलियां फी 1000 मकफ फिट रकबा फ्यू मिगेशन करें। शुक्रिया।